हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। शादी के बाद हर पत्नी की ख्वाहिश रहती है कि उसका पति उसकी हर मांग का पूरा करे, पर यूपी के अररिया में कुछ ऐसा हुआ जाए आपका हैरान कर देगा। यहां पत्नी की डिमांड पूरी करने के लिए पति ने अपने साथियों के साथ लूट की घटना को अंजाम दे डाला। 15 दिन पहले शादी के बाद पत्नी की ओर से गिफ्ट मांगने पर एक आरोपी ने उसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए ट्रक लूट कांड की घटना को अंजाम दिया। पत्नी की डिमांड पूरी करने के लिए उसने अपने अन्य साथियों के साथ ट्रक लूट की घटना को अंजाम देने का प्लान बनाया और 9 जनवरी को प्लास्टिक दाना से लदे कंटेनर को लूट लिया। GPRS की मदद से ट्रक उसी दिन बरामद हो गया था और 2 आरोपी भी हत्थे चढ़ गए थे, लेकिन पुलिस ने अब ट्रक लूट के मास्टरमाइंड को पकड़कर तीनों को जेल भेज दिया है। SP संजीव त्यागी ने मंगलवार को कोतवाली में ट्रक लूट कांड का खुलासा करते हुए बताया कि 9 जनवरी को कोलकाता एक्सप्रेस रोड लाइंस का एक कंटेनर प्लास्टिक दाना लादकर निकला था। उसी दिन रात करीब 7:30 बजे करहल रोड मुरादबनज तिराहे पर चालक क्लीनर रुके। उसी दौरान 4 पहिया वाहन पर सवार कुछ लोगों ने चालक क्लीनर को मारपीट कर ट्रक को लूट कर भाग गए। उसी ट्रक मालिक ने GPRS से देखकर पुलिस को सूचना दी। उसी लोकेशन पर पुलिस ने अछलदा रेलवे क्रॉसिंग से ट्रक पकड़ लिया और 2 आरोपी पकड़ लिए, लेकिन मुख्य आरोपी फरार हो गया। घटना की रिपोर्ट 10 जनवरी को दिनेश कुमार तिवारी निवासी इंदिरा नगर थाना दिबियापुर ने दर्ज कराई। मामले की जांच कर रहे फफूंदेश अनिल कुमार पांडे सोमवार रात अजीतमल रोड जुआ पुल पर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक बोलेरो में 3 लोग बैठे हुए हैं। थोड़ी देर बाद एक कार सामने से आती हुई दिखाई दी। पुलिस ने घेराबंदी करते हुए उसमें सवार अतेंद्र निवासी RTO कॉलोनी सिविल लाइंस इटावा एवं विमल कुमार निवासी सुल्तानपुर इटावा को पकड़ लिया। आरोपियों के कब्जे से 1-1 तमंचा व 5 कारतूस बरामद हुए हैं। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि बोलेरो भी चोरी की है, जिसे वह अपने मित्र फ्रेंडस कॉलोनी इटावा निवासी आसिफ से लेकर आए हैं। पुलिस ने दबिश देकर उसे भी गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी आसिफ ने बताया कि उसकी शादी 15 दिन पहले हुई थी। उसकी पत्नी ने 15,000 रुपए का गिफ्ट मांगा, जिस पर उसने अपने साथियों के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया। SP संजीव त्यागी ने बताया कि इस लूटकांड का खुलासा करने में सर्विलांस प्रभारी मो शाकिर ने अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने लोकेशन ट्रेस कर आरोपियों को पकड़ने में फफूंद थाना पुलिस का सहयोग किया है।